कानपुर देहात में घटी घटना उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की मनमानी को शो कर रही। कानपुर देहात में घटी घटना जिसमें एक ब्राह्मण परिवार माँ बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर अभियान पे एक तमाचा है। इस परिवार में जहाँ माँ बेटी की मौत हुई है, भाई बचा हुआ है। भाई का करुण क्रंदन आप सुन लीजिए। इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ? कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम वीएम सब यही में शामिल है, कोई कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम ले एक बार, और डीएम पर भी। हाँ, डीएम ने आ जाए नहीं, सब साजिश करता है। नहीं आ जाए नहीं, गोरे दीक्षित है, साजिश करता है। अशोक, अनिल, विजय, निर्मल, मनीष चिटवारा ही मिल के आगे लगाई ना गे माँ घर में आ गए। मम्मी और बिट्टी सब तो फरीज हो गए, मऊ भरे थे अंदर। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब। कुछ ना को दे कुछ लगना ही, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो ना ही निकाल पाए, जब अंदर जितने भजन रहे उठा ही नहीं पाए। ठीक, इस मामले में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है, यह हम आपको आगे सुनवा रहे हैं। इसको भी ध्यान से सुन लीजिए साथियों। ये वो दुखद घटना है और सरकार ने एक आदेश दिया है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कुछ अधिकारी हैं जो भूमाफिया के नाम पर भूमिहीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जबकि भूमिहीनों के लिए कानून है कि कहीं से भी उनको उजाड़ना है तो पहले उनको बसने की जमीन की व्यवस्था अधिकारी करावें, तब फिर नोटिस दें उनको कि आपके नाम से ज़मीन वहाँ अलाट हो गई, आप वहाँ जा करके अपनी व्यवस्था करिए, तब उनको उजाड़ा जा सकता है। लेकिन मनमाने तरीके से जो कार्रवाई की गई है, जो FIR हुआ है, ऐसे लोगों को तत्काल तो पहले जेल भेजा जाए और मजिस्ट्रेटियल जांच करके कानूनी कार्रवाई जो हो उसको जो त्वरित कार्रवाई हो, और सरकार 25-25 लाख रुपया मृतक परिवार को, आप उनको रहने के लिए जमीन, बस रहने के लिए मकान और जमीन की व्यवस्था सरकार खुद करा। अगर कहीं से उजाड़ना है तो उसको बसने के लिए जमीन की व्यवस्था करके तब वहां से उजाड़ा जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बेलगाम हैं, जिनके ऊपर मुख्यमंत्री के आदेश का या सरकार के आदेश का कोई असर नहीं है। वो सो जानते हैं कि गरीब भूमिहीन है, इसके पास कोई ताकत है, ये जाएगा कहाँ, उजाड़ दो। ऐसे घटनाओं की वजह से ही जो घटना आई है, ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हो रही है। यह ऐसा मामला है जिसकी पैरवी उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी ने जिलाधिकारी से कहा था, और जिलाधिकारी ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं इसको गंभीरता से देखूंगी। इसके बावजूद इस मामले को पीड़िता की मदद करना, बल्कि बुलडोजर भेजकर उसकी झोपड़ी को गिरा देना और झोपड़ी में आग लग गई जिसमें माँ बेटी जल के मर गईं, एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें जिलाधिकारी अगर तवज्जो दी होती तो यह घटना नहीं घटती। प्रतिभा शुक्ला जी की बात को भी आप सुन लें। ब्राह्मण के साथ हुआ, कल छत्री के साथ हुआ था। हमारी सरकार तो सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, कोई जात विशेष की बात नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। और बल्कि ब्राह्मण तो सब बिल्कुल दे रहा है, वो तो खुद ही कह रहा है कि हम शिकायत बता रहा है कि हम तो मतलब योगी जी के भक्त हैं, फिर मेरे साथ हो रहा तो वो आके यहाँ देख ले, वो तो ये खुद ही हमसे इनके पिताजी कह रहे हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं, वो तो ब्राह्मण का नाम खुद लिखा है, कोई बता रहे, कौन नाम बता रहे आप? औरैया का है जो ब्याज लेता है, औरैया के दो लोग हैं, वो भी ब्राह्मण ही है। जबरदस्ती जमीन, देखिए जात में कुछ नहीं रखा है, कोई भी इंसान किसी भी जात में पैदा हो वो खराब हो सकता है। मतलब इस सरकार में सबके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे जो। हाँ, कोई भी। साथियों, यह घटना उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस घटना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।